एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल और मैं हूं मीनाक्षी। गाइस, जब बात होती है स्किन केयर की तो हम कोशिश करते हैं अपनी स्किन के लिए ऐसे ही प्रोडक्ट्स चूज करें जिनमें केमिकल्स कम से कम हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे ही न्यू अपकमिंग एंड रियली प्रॉमिसिंग स्किन केयर ब्रांड के बारे में जिनके प्रोडक्ट्स आर फिल्ड विद द गुडनेस ऑफ नेचर एंड एट द सेम टाइम दे आर सुपर अफोर्डेबल टू। एंड द ब्रांड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। नाउ वीडियो में चलने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस ब्रांड के बारे में। बेसिकली बेसर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड मार्केट में है पिछले करीब 2 सालों से एंड दे आर रियली फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग दीज रियली गुड क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम शार जेल्स टू फेस वॉशेस टू स्क्रब्स एंड टू अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर इन दिस वीडियो। सो बेसिकली मुझे 15-20 दिनों पहले इन लोगों से कुछ सैंपल्स रिसीव हुए थे एंड आई हैव बीन यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स सिंस देन। सो आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें मैंने खुद यूज किया है ताकि मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो सभी के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। सारे ही प्रोडक्ट्स अमेज़न पर अवेलेबल हैं तो आप डेफिनेटली वहां से चेकआउट कर सकते हैं, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस तरह की और वीडियोज के लिए। विद दैट सेड, लेट्स रोल। सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉशेस की। सो बेसिकली दे सेंट मी 2 वेरिएंट्स, वन वाज नीम एंड तुलसी फेस वॉश, द अनदर वन वाज पपाया एंड पोमोग्रेनेट फेस वॉश। दोनों ही फेस वॉशेस आर सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स और दोनों ही की क्वांटिटी है अराउंड 110 ml। सबसे पहले बात करते हैं नीम एंड तुलसी फेस वॉश की। ऑब्वियसली बिकॉज इसमें नीम है, तुलसी है, विटामिन ई है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसलिए आपकी स्किन से पिंपल्स और एक्ने को प्रिवेंट भी करता है, साथ ही साथ एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है और पॉल्यूशन से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है। क्वांटिटी है इसकी करीब 110 ml और प्राइस है इसका 195 rupees और इसकी एक्सपायरी है करीब 2 साल की। सुजेस्टेड ये है कि आप इसको दिन में 2 बार यूज करें। इसमें जो ऑर्गेनिक नीम एंड तुलसी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपकी स्किन से जो डेली पॉल्यूशन होता है, एक्सेस ऑयल, इम्प्योरिटीज और बैक्टीरिया होता है, उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है और उसके बाद आपको मिलता है एक क्लियर और ग्लोइंग पिंपल फ्री चेहरा। दूसरा जो वेरियंट मेरे पास है वो है पपाया एंड पोमोग्रेनेट फेस वॉश। ये डीप क्लेंजिंग करता है आपकी स्किन की, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, साथ में थोड़ा बहुत हद तक स्किन लाइटनिंग एंड ऑयल कंट्रोल का काम भी करता है। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, विटामिन ई है। इसका प्राइस पिछले वाले से करीब 30 रुपये ज़्यादा है। दिस वन रिटेल्स फॉर 225 rupees। इसकी भी 2 साल की एक्सपायरी है और इसकी क्वांटिटी है 110 ml। इसे भी आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है लाइक एनी अदर फेस वॉश। इसमें एक ऑर्गेनिक ब्लेंड ऑफ पोपाया और पोमोग्रेनेट है। दोनों के एक्सट्रैक्ट्स अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं आपकी स्किन से पिगमेंटेशन वगैरह को कंट्रोल करने में, आपको एक यूथफुल अपीयरेंस देने में, क्योंकि जो पपाया और पोमोग्रेनेट होता है वो आपकी स्किन में कोलेजन लेवल्स को बूस्ट करता है। द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई रिसीव फ्रॉम देम वॉज दिस अमेजिंग वॉलनट स्क्रब। नाउ बेसिकली ये आपकी स्किन को नरिश करता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन से सभी तरीके के डेड स्किन सेल्स को, किसी भी तरीके की डर्ट को या ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। इसमें नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं। इसकी क्वान्टिटी है अराउंड 100 ml और इसका प्राइस है करीब 245 rupees एंड इट ऑल्सो हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 2 years। नाउ बेसिकली पैक पर सजेस्टेड है कि आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। इसमें जो बेसिकली क्वालिटीज़ हैं, जिस तरीके के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वॉलनट और एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपकी स्किन से डर्ट, ब्लैक हेड्स को निकालने के साथ साथ आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं छोड़ते, बहुत ही सॉफ्ट, सपल, हाइड्रेटेड और रेडियंट छोड़ते हैं। Now personally I don't use a lot of walnut and apricot based scrubs because I feel that their granules are too harsh for the skin, but talking particularly of this scrub, this one doesn't feel that harsh against the skin aur iski bilkul thodi si hi quantity required hoti hai, sirf 2 hi boond pani dalna padta hai, baki scrubs mein kya hota hai jaldi jaldi se wo dry pad jate hain to aapko har 30-30 second mein pani add karna padta hai. Isme maine aisa feel kiya ki bilkul thodi si quantity maine ek bar li thi aur ek hi bar pani dala tha, mujhe bar bar pani add karna nahi pada और मुझे अच्छा खासा एक 4 से 5 मिनट का एक्सफोलिएशन सेशन मिल गया था। सो आई फील दैट दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू लास्ट यू गाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आल्सो दिस वन इज अ रियली गुड स्क्रब। द लास्ट प्रोडक्ट दैट दे गेव मी वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड न्यू वन। आई थिंक दे आर पायनियर्स इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर इफ समथिंग लाइक दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट और नॉट। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे बताएं। बेसिकली दे हैव दिस अमेजिंग आफ्टर वैक्स मॉइस्चराइजिंग थिंग। ये बेसिकली अगर आप शेविंग
और वैक्सिंग के बाद गर्ल्स को कई बार ऐसे रेड छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, या हमें पोस्ट शेविंग रेडनेस या बम्स पड़ जाते हैं, तो उस पर आप इसको लगा सकते हैं. तो उससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सूद हो जाएगी, काम हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी. और साथ में इसका है अमेजिंग टेक्स्चर एंड अमेजिंग फ्रेग्रेंस इट इज़ गॉट. It just smells like really rose petals, like I feel it uplifts your mood instantly. A really, really pleasant fragrance it has got. And the texture is also very easily blendable. थोड़ी सी ही क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने शायद ज़्यादा ले लिया है. थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके पूरे हाथ या पैर के लिए काफ़ी होगी. एंड क्योंकि आप वैक्सिंग कराएंगे सिर्फ आई थिंक महीने या डेढ़ महीने में एक बार, तो इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी काफ़ी लंबे समय तक भी चल जाएगी. नाउ दिस वन एक्चुअली रिटेल्स फॉर अराउंड 345 एंड दिस वन हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 2 years एंड दिस वन हैज़ अ प्रोडक्ट कंटेंट ऑफ अराउंड 50 grams. लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हम एक से डेढ़ महीने में एक बार ही इसे यूज़ करते हैं, तो ये आपको काफ़ी लंबे समय चलने वाली है. इसका एक डुअल पर्पज़ ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शेविंग या वैक्सिंग के बाद ही यूज़ करें. अगर आपको जनरली भी अपने पूरी बॉडी पे या स्किन पे थोड़ा बहुत ड्राइनेस लग रही है और आप उसको मॉइस्चराइज करना चाहते हैं इन अ रियली लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी प्लेजेंट वे, देन यू कैन डेफिनेटली सब्सटीट्यूट दिस फॉर योर मॉइस्चराइजर एज वेल. सो दिस इज़ गॉट मल्टीपर्पजेज एज वेल. सो आई थिंक दिस वन इज़ अ रियली क्यूट प्रोडक्ट जो मैंने नहीं देखा है आज से पहले. अगर आपने देखा हो तो आप ज़रूर बताएं. तो ये थे इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने इनसे रिसीव किए, यूज़ किए, और मेरा जो जेन्युइन एक्सपीरियंस था, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था इनको यूज़ करने के बाद, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. मेरे ख्याल से इट्स अ टोटल 10 on 10 एंड ये डेफिनेटली एक मस्ट ट्राई है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके की क्वान्टिटी और क्वालिटी इनके प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, वो इस प्राइस में मिलना इतनी सही क्वालिटी का काफ़ी मुश्किल है. तो इसलिए अगर आप भी इन्हें एक बार ट्राई करना चाहते हैं, इन सभी के परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं आप वहां से. एंड इफ एट ऑल देर इज एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और क्वेरी ऑफ योर्स दैट आई हैव फॉरगॉटन टू कवर इन दिस वीडियो एंड यू वुड लाइक टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, देन यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया. मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमेशा वीडियो के एंड में होते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं. वेल दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ यू डिड देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू. एंड विद दैट सेड आई विल बी टेकिंग योर लीव गाइज with the hope to meet you guys very soon again. Till then, you guys take very good care of yourselves and stay beautiful.